धार जिले के धामनौत थाना क्षेत्र के ग्राम गुजरी में कुछ बदमाशों ने भारत देश की करेंसी देखने के चक्कर में किराना व्यापारी को 1000 रुपए की चपत लगाकर भाग गए। सूचना लगते ही आसपास पुलिस को अलर्ट किया गया, किंतु चोर भागने में सफल हो गए। गुजरी के ग्राम डहरिया पर स्थित महेश्वरी ट्रेडर्स पर संचालक गोविंद मालू की दुकान पर एक सफेद कलर की कार से दो युवक व एक महिला आई। तभी एक युवक ने दुकान मालिक मालू को अपनी बातों में उलझा कर किराना सामान देखते रहे। वहीं महिला ने भी व्यापारी की पत्नी को अपनी बातों में उलझा लिया। इस दौरान व्यापारी का ड्राइवर पेमेंट लेकर आया ही था कि तभी तीसरे युवक ने कहा कि आप मुझे आपके भारत देश की करेंसी बता सकते हो क्या, हम विदेशी हैं, हमें यहाँ पर विदेशी करेंसी देकर भारत की करेंसी लेना है। तभी युवक के पास रखे पेमेंट को बदमाश खुद ही अपने हाथों से देखने लगा और धीरे धीरे 1000 रुपये उसमें से गायब कर वहाँ से तुरंत भाग निकले। घटना का पता कुछ देर बाद चला जब व्यापारी ने पेमेंट गिना, तभी पूरी जानकारी धामनौत थाने पर आकर दी। उसके बाद आसपास थानों पर भी अलर्ट किया। वहीं बदमाशों ने करीब 3 बजे पलाश चौराह पर पल्ली के व्यापारी अशोक राठौर के पास जाकर, बदमाश वहां भी करेंसी बदलने की बात कर रहे थे किंतु उनके पास पेमेंट कम होने के कारण उन्हें इनकार कर दिया। वहीं सुबह 11 बजे गुजरी के व्यापारी आशीष सिंघल के पास भी गए थे, उनसे भी करेंसी बदलने की बात कही थी, किंतु व्यापारी ने इंदौर में करेंसी बदलने की बात कहकर वहां से उनको भगा दिया। घटना के बाद पुलिस आसपास तलाश कर रही है। तो वो जो बदमाश घटना करके गए डेरे पे, वो आए थे? हाँ, मेरे पास सुबह आए थे समथिंग 11:30-12 के बीच में। मैं बैठा था दुकान पे, तो मेरे पास आए और बोले कि हमारे को करेंसी चेंज कराना है, हम लंदन के हैं तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, तो आप बताइए। तो उनने मेरे से पूछा कि करेंसी चेंज कहाँ होगी, तो मैंने इंदौर का बता दिया कि आप इंदौर जाइए, इंदौर में एयरपोर्ट पे होगा करेंसी चेंज, यहाँ कोई यहाँ कहीं पे भी नहीं होगा, आप जाइए। फिर मेरे को उनने उनके पर्स में मतलब करेंसी बताई, डॉलर बताए, डॉलर के रुपीस, बोले कि ये करेंसी चेंज कराना था, यहाँ नहीं हो पाएगी, इंदौर होगी। फिर उसके बाद ये इंडियन करेंसी थी उनके पास, 100 के नोट थे, 200 के नोट थे, तो फिर उनने बोला कि हमारा इस चीज़ से ईटिंग मतलब खाने का हो पाएगा। तो मैंने बोला हाँ आपका इस रुपए में, इतने रुपए में आपका खाना हो जाएगा, आप चले जाइए, आपका खाना हो जाएगा बाहर कहीं पे भी, और आप इंदौर निकल जाइए, आपका यहाँ पर आप गलत आ गए हैं रास्ते पे। फिर मेरे पास पूछने लगे, बोले कि इससे भी बड़े नोट आते हैं क्या इंडिया में? तो मैंने बोला हाँ आते हैं, महंगे 500 रुपीज़ आती है, 2000 रुपीज़ आती है। तो उनको क्या देखने की लगी, बोले कि देखने के लिए है क्या रुपीज़, बोले। तो मैंने 500 का रुपीज़ उनको एक निकाल के मेरे पॉकेट में से निकाल के बताया कि मैं ये 500 का रुपीज़ होता है। तो उन्होंने देखा और फिर मैंने उनसे वापस मेरा नोट वापस ले लिया, और फिर वो बोले बोले 2000 का भी है क्या? मैं नहीं 2000 का नहीं है, मैं 2000 का देखना हो तो मैं क्या आप मेरे पास अवेलेबल नहीं, मैं क्या बैंक अवेलेबल है, बैंक जा सकते हैं आप। बाकी फिर हमने बोला मैं क्या आप निकल जाइए, फिर वो निकल गए यहाँ से। क्या नाम आपका? मेरा आशीष सिंघल, आशीष सती सिंघल। आपकी दुकान पे क्या घटना हुई आज? मेरी दुकान पे एक जेंट्स आया पहले, उसने पहले कुछ सामान लिया 30 रुपये का, उसके बाद में फिर उसने 100 और 200 के नोट पहचानने के लिए जो दुकान पे बैठा था एक अकाउंटेंट उससे बात करी, फिर एक जेंट्स और मुझे अंदर लेके गया और कुछ सामान का पूछने लगा, सब फॉरेन में बात कर रहे थे, बोले हम लंदन से आए हैं, और मेरा ड्राइवर बाहर बैठा हुआ था, वो पेमेंट लेके आया था कहीं से कलेक्शन करके, तो उस पेमेंट में से ये 500 का नोट कैसा है, 2000 का कैसा, ऐसा करने में एक लेडीज़ और आ गई, और उसके बाद में फिर उन्होंने उस पेमेंट में से पेमेंट कैसे गायब करा पता नहीं चला। क्या नाम आपका? गोविंद मालू, गुजरी। धामनौत से गोलू मेवाड़ी की रिपोर्ट।